हुआ। सबसे पहले मैं नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर और हमारी जो मैं जब से बॉम्बे में आया तब से वो मुझे जानती है, श्रीमती विजया जिना, प्लीज़ आइए। विजया जी बहुत सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जूरी एज ए जूरी भी सब रही हैं, अभी भी हैं। उसके बाद मेरे नाटक के प्रोड्यूसर श्री नारायण भाटिया, जिनके साथ मैं ये फिल्म भी प्रोड्यूस करने वाला था, इनकी फिल्म अनाउंसमेंट होने की वजह से हमारी फिल्म अटक गई। इनके मैंने बहुत पैसे डुबोए हैं, फिर भी ये आए हैं हमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच राणा जी, प्लीज़ कम। मेरे इस नाटक में जो आपने देखा सींग वाले एक इनके फिल्म में कैरेक्टर दिखते हैं, है ना, जो बड़े बोलते हैं मोहनजोदड़ो में मेरा राज चलता है, हमारे मोहनजोदड़ो में जिनका राज चलता है बहुत सीनियर एक्टर हैं, कलाकार हैं NSD से, श्री अशोक बंटिया जी, प्लीज़ कम। हमारे नाटक मोहनजोदड़ो में बहुत सारे जब 27 मार्च 2011 में हमने बड़े लेवल पे, इस नाटक का शो तो 95 में भी हुआ था, लेकिन जब बड़े लेवल पे मुंबई से शुरुआत हुई तो बहुत सारे लोग इसमें रहे हैं। जैसे इस पोस्टर में आप देख सकते हैं, ये लाहौर फिल्म के हीरो है अनाहत, ये जोधा अकबर सीरियल की जोधा है परिधि शर्मा, इन्होंने शुरुआत हमारे इस नाटक से की थी। इधर देवोलीना भट्टाचार्य, गोपी बहू, इन्होंने भी इस नाटक से ही अपने करियर की एक तरह से कैसे तो शुरुआत की थी। अमरीन चक्की वाला, अनाहत, कुलविंदर, ज्योतिका, और फिर अब जो प्रेजेंट हमारे नाटक में जो ये कर रही हैं, हीरोइन का रोल कर रही हैं, वहाँ की जो प्रिंसेस का रोल कर रही हैं, मिताली नाग, जो अफसर बिटिया गए तो आप भी आपने इनको देखा होगा। जी ठीक है, थैंक यू। सबसे पहले मैं इस पूरे घटनाक्रम की थोड़ी सी कैसे कहाँ से शुरुआत हुई थी वो बता दूं। 1995 में जब कुछ मैं हार्डली 18 साल का था, मैं ग्वालियर में NSD का वर्कशॉप करते हुए मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि ये नाटक लिखा जाए ऐसा कुछ, और मोहनजोदड़ो पे फिर मैंने मुझे लगा कि कुछ ऐसा करूँ जो किसी ने पहले कभी नहीं किया हो। तो मेरे दिमाग में क्यों ना मैं मोहनजोदड़ो पे कुछ करूँ। मोहनजोदड़ो पे किसी ने कुछ उससे पहले फुल फ्लेज फिक्शन नहीं लिखा था वो मेरी जानकारी के हिसाब से, या कोई फिल्म नहीं बनी थी, कोई नाटक नहीं था, तो मैंने मोहनजोदड़ो पे लिखना शुरू किया। लेकिन जब मैं लिखने गया तो मुझे पता चला मोहनजोदड़ो के कोई इतिहास नहीं है। सबसे पहले जो एक मैं बता दूं कि ऐतिहासिक विषय पे कोई भी फिल्म बना सकता है ना, अशोक पे बना सकता है, कनिष्क पे बना सकता है, हर्षवर्धन पे बना सकते हैं, अकबर पे बना सकते हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो की पुरातत्व वो है जिसको आर्कियोलॉजिकल बोलते हैं आप लोग, आर्कियोलॉजिकल चीज़ें हैं लेकिन हिस्ट्री कुछ नहीं है। किसी को नहीं पता कि मोहनजोदड़ो का राजा कौन था, रानी कौन थी, क्या हुआ, क्या घटना, ये नहीं है। सिर्फ मोहनजोदड़ो खुदाई में ये पता चला वहाँ की सड़कें अच्छी थी, वहाँ ये सारी चीज़ें थी। तो फिर मैंने सोचा कि इसको कैसे किया जाए। तो मेरे माता पिता की जो कहानी है, उनकी शादी की जो कहानी है, वो मैंने इसमें इस नाटक में डाला, कुछ अपने इमोशंस डाले और डाल के ये नाटक मैंने तब लिखना शुरू किया। मैंने बहुत प्रोफेशनल नहीं था, जैसे आया वैसे लिखता गया, 20-21 पेजेस का मैंने लिखा। लिखने के बाद उसी के लेवल पे मैंने छोटे मोटे लोगों पर नुक्कड़ नाटक के जैसे हमने शोज़ किए वहाँ पे ग्वालियर में। उसके बाद वहाँ से जो है मैं मुंबई में आ गया 1997 में। मैं मुंबई जब आ गया, आने के बाद मेरी जो है मैं जिस ग्वालियर में जिस थिएटर ग्रुप में था उनसे इनका पारिवारिक संबंध है विजया जिना जी का, तो मैं विजया जी से यहाँ पर आके मिला और इनको भी ये थोड़ी बहुत कहानी सुनाई और बताया ऐसा ऐसा है। इन्होंने मुझे सजेस्ट किया क्यों इस नाटक, तुम राइटर एसोसिएशन का भी मेंबर नहीं हो, किसी को सुनाओगे इस पर फिल्म बनाने के लिए तो लोग चोरी भी कर सकते, तो इसको रजिस्टर्ड करा लो। तो मैं राइटर एसोसिएशन का मेंबर नहीं था, तो मैंने इनके कार्ड पे उसको तब रजिस्टर्ड कराया। ये रजिस्टर्ड करने के बाद जो है मैंने कई लोगों को कहानी सुनाई। इस बीच में 2003 में जो मेरी जान पहचान जो है, जो लगान के एडिटर है, लगान, स्वदेश, बहुत सारी फिल्में की, अभी भी उनकी दंगल आने वाली है, बल्लू सलूजा, उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनको मैंने ये कहानी सुनाई, उनको बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने इसका जिक्र मिस्टर ग्वारीकर से किया, मिस्टर ग्वारीकर वो पढ़ने के लिए मांगे, हमने वो हैंड रिटन मैंने इसलिए दे दिया था क्योंकि जो हैंड रिटन का जो मेरा फोटोकॉपी कराया था उस समय, उस पर मैंने स्टैंप लगवाया था राइटर एसोसिएशन का, वो हैंड रिटन कॉपी मैंने इनको दे दी बल्लू सलूजा को, उन्होंने मिस्टर ग्वारीकर को दी। मिस्टर ग्वारीकर 4 दिन उस स्क्रिप्ट को रखे अपने पास और उसके बाद वापस कर दिए, ये कहते हुए
कि अभी अभी मैंने कोई अभी लगान बनाई है, दूसरी कोई इमीडिएट ऐतिहासिक विषय पे फिल्म नहीं बनाना चाहता, और बात यहीं ख़त्म हो गई। 2010 में मुझे कहीं से पता चला कि मिस्टर ग्वारीकर जो है वो मोहनजोदड़ो नाम की कोई फिल्म शुरू करने वाले हैं, तो मुझे लगा, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मुझे लगा कि फिर भी जो है एक बार मैं उन्हें जो मैं एक बार उनसे इस बारे में बात करना चाहिए मुझे। तो मैंने उनको एक मेल भेजा, मैंने उनको एक मेल भेजा जो मेल शायद आप सबके सामने है, मैं आप लोग अगर नहीं पढ़ा है तो मैं दोबारा पढ़ सकता हूँ, ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं होगी, शायद आप सब पढ़ चुके होंगे। ये आपको और जानकारी के लिए दिखा दूँ, इस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है, 2010 में मिस्टर ग्वारीकर को ही मेल भेजा था, ये आप देख सकते हैं ईमेल आईडी उनका, है ना। और वापस यही मेल मैंने 2014 में भी भेजा था, अगर आप देखें मोहनजोदड़ो, दिस इज़ अ रिसेंट मेल ऑफ डेट August 12, 2010, ये 2010 में पहले मैंने मिस्टर ग्वारीकर को ये मेल भेजा, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, और फिर कोई खबर भी नहीं आई कि वो फिल्म बन रही है करके। तो मुझे लगा फिल्म नहीं बन रही है, मैं अपने उस पर काम करना शुरू किया। फिर उस एक 95 से डेफिनेटली 2010 तक आते आते एक 15 साल की जर्नी होती है। आप लोग जितने भी क्रिएटिव लोग हो आपको पता होगा कि आप जब लिखने शुरू करते हैं तो उसका एक फ्लो होता है, आपके एक्सपोजर, आपकी उम्र, आपके अनुभव और सामाजिक स्थिति क्या होती है उस समय, दुनिया में क्या हालात होते हैं, वो उस पर इफेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो उस हिसाब से हमने एक जो है 2010 आते आते उसमें कुछ चेंजेस भी आए, और हमने जो है फिर उस नाटक को हमने सोचा कि उसको एक फुल फ्लेज्ड बड़े लेवल पर नाटक किया जाए। तो मैं मिस्टर राणा भाटिया जी से मिला, राणा भाटिया जी का विश्वास था मुझ पर, इन्होंने उस पर पैसे लगाए और हमने उसका जो है फुल फ्लेज्ड बड़े लेवल पर हमने शो शुरू किया। उस शो का जो है जो आप देख सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा ने स्पॉन्सर किया, राणा भाटिया जी की कंपनी है इन्फिनिटी वेंचर्स, और हमारा थिएटर ग्रुप है बिग बैंग थिएटर फाउंडेशन। तो हमने ये नाटक की वहाँ से शुरुआत हुई, हमारी नाटक की शुरुआत हुई, नाटक को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, ऑल ओवर इंडिया इसके शोज हुए, बड़े बड़े रेपुटेड जितने भी थिएटर फेस्टिवल है, जैसे नांदीकार थिएटर फेस्टिवल कलकत्ता में होता है, बहुत प्रेस्टिजियस थिएटर फेस्टिवल माना जाता है, वहाँ पर ये नाटक सेलेक्ट हुआ। ग्वालियर में उज्जैन मध्य प्रदेश में कालिदास समारोह होता है, मध्य प्रदेश सरकार करवाती है, वहाँ पर हमने इसके शोज किए। हैदराबाद में सूत्रधार थिएटर फेस्टिवल होता है, वहाँ हमने किए। चंडीगढ़ में संगीत नाटक अकेडमी जो गवर्नमेंट की बॉडी है उन्होंने शो करवा, वहाँ हमने किए। नई दुनिया ने जो है उज्जैन में, नई दुनिया ने इंदौर में राजवाड़ा जो कि महारानी अहिल्याबाई देवी का महल है वहाँ पे हमारे शोज हुए थे, तो वहाँ हमने इसके शोज किए हैं नई दुनिया के लिए जश्न मालवा के नाम से। तो ऐसे तमाम गवर्नमेंट के अलग, गोवा में किए हैं बहुभाषीय नाट्य समारोह जो जोनल कल्चरल सेंटर्स होते हैं, ये सब चलता रहा। इस बीच में जो है मुझे अचानक 2000 और इसमें जैसे मैंने बताया कई सारे नामी ग्रामीण लोग इसमें से इस नाटक में से इनकी शुरुआत की, उसके अलावा जैसे अपना अशोक बंटिया जी उस नाटक में हमारे अभी तक हिस्सा है, अमन वर्मा वो इस नाटक के हिस्सा रहे हैं, उसके अलावा बिनी शर्मा जो डांस इंडिया डांस में रही है वो हमारे नाटक साथ काम किए इस नाटक में, नागेश सालवान करके एक्टर हैं उन्होंने काम किया इसमें, रौनक आहूजा जो काफ़ी वेल नोन टीवी एक्टर रहे हैं उन्होंने काम किया इसमें। तो ये कोई और ये बहुत ही बड़े लेवल पर पब्लिसाइज नाटक था, और अभी हमने पिछले 1.5-2 सालों से ये इस फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद से हमने शोज जानबूझ के नहीं किया, ना तो लोगों को लगेगा हम पब्लिसिटी पाने के लिए कर रहे हैं। तो ये बात यहाँ तक रही। अब जब 2014 में इन्होंने हमने सुना कि ये फिल्म शुरू कर रहे, तो यही मेल आपने देखा मैंने इनको वापस भेजा, इसका भी कोई जवाब नहीं आया। पहली बार मैंने इनके पर्सनल आईडी पे भेजा था, और दूसरी बार जो है मैंने इनके कंपनी की ईमेल आईडी पे भेजा, ये आप देख सकते हैं इनकी कंपनी की ईमेल आईडी, इनकी कंपनी की ईमेल आईडी पे भेजा 2014 में। और इस मेल में मैंने सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी ये, अगर आप पैरा देखेंगे मैंने उस समय 2010 में भी उनको कहा था और 2014 में भी यही कहा, मेरा इरादा फिल्म रिलीज़ के दौरान कोई चीप पब्लिसिटी पाने का या फिर आपको ब्लैकमेल करने का नहीं है, इसलिए ये सारी जानकारी मैं आपको फिल्म अनाउंसमेंट से पहले ही ईमेल द्वारा भेज रहा हूँ ताकि भविष्य में इसे लेकर कोई गलतफहमी या विवाद उत्पन्न ना हो। मेरी नज़रों में ना सिर्फ आप एक अच्छे निर्देशक हैं बल्कि एक बहुत अच्छे इंसान भी है,
मुझे पूरी आशा है कि कहीं भी किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। अगर आप मिलकर या ईमेल द्वारा मेरी शंकाओं का समाधान करेंगे तो मुझे अत्यंत खुशी होगी, धन्यवाद। 2010 में मुझे कोई चीप पब्लिसिटी या कोई ब्लैकमेल का नहीं था, जैसे कि इन लोगों की तरह अब उड़ाया जा रहा है कि मैं एक्सटॉर्शन के लिए इनकी फिल्म रुकवाना चाहता हूँ। होता तो मैं 2010 में ये मेल नहीं भेजता जब फिल्म का कोई नामो निशान नहीं था। अब रही बात कि फिर जब मुझे इसके बाद जब इन्होंने फिल्म शुरू की, इनको ये मेल भेजा फिर से दोबारा, कोई जवाब नहीं आया। 2015 मार्च 2015 में मैंने इनको लीगल नोटिस भेजा पहली बार। 2015 में लीगल नोटिस भेजा, उसका इनका जवाब आया पहली बार मिस्टर ग्वारीकर के तरफ से, उनके लॉयर ने एक्सेप्ट किया कि हाँ हमें स्क्रिप्ट मिली थी। हमने मोहनजोदड़ो के स्क्रिप्ट में बारे में कहा था, उन्होंने कहा हाँ हमें स्क्रिप्ट मिली थी लेकिन हमने पढ़ा नहीं और हमने तुरंत वापस कर दिया था। 2015 में उनको याद था कि 2003 में उनको मोहनजोदड़ो नाम की एक स्क्रिप्ट मिली थी। याददाश्त बहुत अच्छी है और यह तब हो सकती है जब आपने वो स्क्रिप्ट पढ़ी हो। उसके बाद जो है हमने, और उन्होंने ये भी कहा कि उसके बाद हम कोर्ट में गए, हम सिटी सिविल कोर्ट में गए जब उन्होंने, अच्छा उन्होंने कहा कि ये भी उसमें कहा था कि आपकी स्क्रिप्ट से हमारी फिल्म अलग है। अगर उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं तो उनको कैसे पता कि हमारी स्क्रिप्ट से उनकी फिल्म अलग है। तो हमने फिर कोर्ट में गए तो कोर्ट में सबसे उन्होंने एक दलील दी, कि आप लोग चाहेंगे तो आपको ये कॉपी भी दे देंगे, उनके जवाब का ये पैरा 4 का एक लाइन था जहाँ उन्होंने लिखा है कि ये आप बहुत जल्दी आ गए हैं कोर्ट में, हम तो अगस्त 2016 में फिल्म रिलीज करने की सोच रहे हैं, आप इतनी जल्दी क्यों आए कोर्ट में, आपको इतनी जल्दी आने की ज़रूरत नहीं थी। और दूसरी बात है कि इस सिटी सिविल कोर्ट जहाँ हमने ये कॉपीराइट और ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस के तहत केस दायर किया था, तो उन्होंने कहा सिटी सिविल कोर्ट का जो है कॉपीराइट पे जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो ये केस लंबा चलता गया, वहाँ पे कोई फैसला नहीं आ रहा था। तो हमने उसको कहा कि ठीक है हम कॉपीराइट पे नहीं कर रहे, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस पे हम केस कर रहे हैं। फाइनली जो है उस पर भी जज साहब का कोई जवाब नहीं आया, बातें हुई उनके आर्ग्यूमेंट होने के बाद भी एक महीने तक जब रिजल्ट नहीं आया तो हमने वहाँ से विड्रॉ किया इस लिबर्टी के साथ कि हम प्रॉपर कोर्ट में जाएंगे। और उसके बाद जो है हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट हमने मार्च में विड्रॉ किया और हाई कोर्ट हम जून में आए। जून में आने का बैग दे दो, हाँ जून में आने के लिए जो है मार्च से, अब हमने मार्च में विड्रॉ किया है और जून में क्यों गए, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि एक तो मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी तो उसके लिए मुझे कलकत्ता जाना पड़ा। उनके लिए उनको भी यहाँ बुलाया, नानाभट्टी हॉस्पिटल में मैंने ट्रीटमेंट कराया और सारी चीज़ें हमने कोर्ट में ये सारी चीज़ें जमा की है। और उसके बाद हमने 28 जून को हम कोर्ट में आए हैं हाई कोर्ट में, कि उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे पास जो है केस लड़ते लड़ते ये मेरी आखिरी संपत्ति थी, छत्तीसगढ़ का मेरा खेत, इसको मैंने बेचा 27 जून। ये 27 जून को मैंने अपनी आखिरी प्रॉपर्टी बेची है, छत्तीसगढ़ में मेरे नाम पे ये खेत था, इसको मैंने बेचा है और 28 जून को मैं हाई कोर्ट में वापस नए सिरे से केस शुरू किया। और वो कहते हैं कि कोर्ट में देर से आए हम, जबकि उन्होंने खुद कहा था कि आप कोर्ट में बहुत जल्दी आए। आज के कई अखबारों में भी छपा है कि हम कोर्ट में लेट आए हैं इसलिए हमें वो नहीं मिला, न्याय नहीं मिला। अब जो है अब हाई कोर्ट में जब मामला आया है तो हाई कोर्ट में क्या हुआ है, आप सबको जो है वो जजमेंट की कॉपी मिली होगी। उनके लॉयर जीएस पटेल ऑनरेबल सिंगल जज है, उनके लॉयर मिस्टर रवि कदम है। तो जज साहब का जो मैं क्लियर कर दूं, मैं किसी जुडिशियरी पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं या मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रही है। मैं उतना बड़ा कानून का जानकार नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम से पूरी दुनिया देखे, पूरा देश देखे और मुझे समझाए कि ये कैसे हो सकता है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप देर से आए, इन्होंने खुद कहा था मिस्टर ग्वारीकर के लॉयर ने कि आप बहुत जल्दी आ गए हैं कोर्ट में।
और जब लेट भी आए हैं तो कब आए हैं हम, 28 जून फिल्म रिलीज से 46 दिन पहले, 46 ये नहीं कि एक हफ्ते पहले गए हैं, 10 दिन पहले गए हैं, 46 दिन पहले गए हम। उसके बाद कोर्ट की तरफ से भी 26 जुलाई को फैसला आने वाला था, 28 जून को जाने के बाद 26 जुलाई को फैसला आने वाला था, वहाँ से भी जो है वो आगे बढ़ के 1 अगस्त चला गया। लेकिन जो है तब कोई ऐसा खास डिले नहीं रहा, लेकिन उसके बाद जो है एक रीज़न बताया गया हमें स्टे नहीं मिलने का डिले। दूसरा रीज़न उन्होंने बताया है कि हमने सिटी सिविल कोर्ट में कॉपीराइट को विड्रॉ किया था, हमने प्रेस नहीं किया था। जब सिटी सिविल कोर्ट में कॉपीराइट का कोई ज्यूरिडिक्शन ही नहीं है, उनके तरफ से भी कहा गया और हमने इस लिबर्टी के साथ विड्रॉ किया कि हम प्रॉपर कोर्ट जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता ये कोई वजह हो सकती है ना। मैंने, अगर आप लोगों को ऐसा कुछ है तो बताइएगा मुझे। उसके बाद ये आप लोगों को भी कॉपी दिया गया, आप लोग इसके सब टैली कर सकते हैं, हमने भी अपना जवाब लिखा है ना। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे कहा, ऑनरेबल जज जी एस पटेल साहब ने कहा कि 5 अलग अलग तरह की स्क्रिप्ट्स हैं। मैं आपको बताऊँ तो 5 स्क्रिप्ट्स कभी भी नहीं था, एक ही स्क्रिप्ट था, 1995 का स्क्रिप्ट जो कि मैंने मिस्टर गोवारीकर को दिया था। उस स्क्रिप्ट से जो है धीरे 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 हमारा ये नाटक जो है जो अभी पूरी तरह पब्लिक डोमेन में है ये डेवलप हुआ है। और जो है उस चूंकि वो जो हाथ से लिखा हुआ नाटक था, वो हाथ से लिखा हुआ था, जज साहब को पढ़ने में दिक्कत ना हो, इसलिए एक हमने उसका टाइप वर्जन कराया और एक इंग्लिश वर्जन उसका ट्रांसलेशन कराया। कोई स्क्रिप्ट अलग अलग नहीं थी, हमने एक ही स्क्रिप्ट पे हमेशा से मांगा है सब। उसके बाद एक नाम मेरा लिखा गया अक्षय दित्य, है ना, पैरा नंबर 12 में अगर आप देखेंगे अक्षय दित्य, मेरा नाम अक्षय दित्य नहीं है, आकाशादित्य लामा है और अमनदीप लामा भी नहीं। हाँ, ऊपर भी हर जगह अक्षय दित्य लामा लिखा हुआ है, हर जगह जो है जजमेंट के, आप लोग के पास है कॉपी इसकी, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद पैरा 18 में लिखा है कि मिस्टर लामा सेज दैट ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू कम अप विद अ सफिशियंट रिसर्च मटेरियल, ही क्लेम्ड दैट आई फाइंड हार्ड टू बिलीव गिवन दैट द साइट इटसेल्फ हैड बाय देम डॉक्यूमेंटेड इन अर्ली थ्री क्वार्टर ऑफ द सेंचुरी। अब जज साहब कहते हैं कि मुझे इस बारे में सबको पता है, मुझे नहीं लगता है मोहनजोदड़ो की कहानी किसी को पता भी है कि यहाँ पे नहीं है, कोई कहानी नहीं है। वो राजा रानी उसका कौन, अशोक के बारे में पता, अशोक के पिताजी ये थे, बेटा ये था, ये हुआ, ये मौर्य वंश के थे, मोहनजोदड़ो में नहीं पता। सिर्फ पुरातत्व आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स है, हिस्ट्री नहीं है। जज साहब ने इसमें लिखा है कि ये 3 मतलब जो है अर्ली सेंचुरी से लोगों के पास है। उसके बाद जो है उन्होंने लिखा है पैरा 14 में, कि मैंने किस किस को कहानियां सुनाई होंगी। आप सबको पता है कि अगर स्ट्रगल करना है फिल्म इंडस्ट्री में तो आपको लोगों को आप कहानियां सुनाते हैं, अपने आइडिया शेयर करते हैं, बट ये नहीं सोच के शेयर करते कि आपने चोरी कर लेगा। आप इसी उम्मीद से, इसी भरोसे के साथ सुनाते हैं कि ये अगर इंटरेस्टेड है तो बनाएगा, नहीं तो ये कहानी आपकी आपके पास रहने देगा, ये एक आप शरीफ लोगों से उम्मीद करते हैं। और ऐसी कई जजमेंट्स हैं इसमें, आप लोग आगे देखिएगा, उसमें से बहुत कमाल कमाल की चीज़ें हैं। जैसे एक में उन्होंने लिखा है कि 2010 की जो स्क्रिप्ट है, 2010 की जो स्क्रिप्ट है, 2010 की जो स्क्रिप्ट है उस पर नाटक हो ही नहीं सकता। रिजॉइंडर है क्या उसमें? रिजॉइंडर नहीं है, रिजॉइंडर अलग से। उन्होंने कहा है कि 2010 की जो स्क्रिप्ट है उस पर नाटक नहीं हो सकता। जजमेंट में लिखा हुआ है कि उसमें डायलॉग नहीं है, एंट्री एग्जिट नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसके बेसिस पे कभी नाटक नहीं हो सकता। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आप सबसे पूछना चाहता हूँ क्या इस पे नाटक हो सकता है या नहीं, इसमें डायलॉग्स लिखे हैं कि नहीं, कोर्ट में जमा किया हुआ कॉपी है,
इस पे नाटक हो, मैं पूछता हूँ ये डायलॉग्स नहीं है तो क्या है इसमें? मैं आपको सुनाता हूँ। हाँ है ना, फेस्टिवल बिगिंस विद अ ड्रम साउंड म्यूजिक एंड फोक डांस, जस्ट देन ए सोल्जर कम्स रनिंग। सोल्जर उत्सव में विघ्न डालने के लिए क्षमा चाहता हूँ कुराव, परंतु मंथर, परंतु क्या? सोल्जर आर्यों का एक सैन्य दल मोहनजोदड़ो की तरफ फिर से बढ़ रहा है। कुराव क्या इस बार भी उनका नेतृत्व इंद्र कर रहा है? ये डायलॉग्स हैं, इसमें एंट्री एग्जिट सब कुछ लिखा हुआ है, बट जजमेंट में लिखा गया है कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। 2010 की स्क्रिप्ट में, 2010 की स्क्रिप्ट में जो है ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है, और बोलते इस स्क्रिप्ट के बेसिस पे कहीं नाटक हो ही नहीं सकता। हाँ, पॉइंट नंबर 22, पैरा नंबर 22 में जो है, नहीं हाँ तो उन्होंने कह रहे हैं कि उस पर नाटक हो नहीं सकता है, और जो है मैं आपको दिखाऊं अभी। ये रिजॉइंडर नहीं है, रिजॉइंडर दो। जो है हमारा स्क्रिप्ट, मैं ये बताऊं कि 2010 में मैं राइटर एसोसिएशन के साथ भी इसको मैंने रजिस्टर्ड कराया था। इसको आपको जिनको पता होगा, महाराष्ट्र में नाटक करने के लिए आपको पहले सेंसर करनी पड़ती है स्क्रिप्ट, आपको जो है सेंसर करनी पड़ती है, वो सेंसर होने के बाद ही आप नाटक कर सकते हैं। ये देखिए आप लोग, ये वो स्क्रिप्ट है जिस पे मैंने नाटक किया। देखिए आप देख सकते हैं, मोहनजोदड़ो जहां से जन्मा भारत, ये सरकारी ठप्पा लगा हुआ है, इस पे सरकारी सील है, यही है 2011 के जब हमने नाटक शुरू किया था। तो ये है, अगर इसके बेसिस पे हमने पूरे गवर्नमेंट के शोज किए हैं, ऑल ओवर इंडिया किए हैं, ऑल ओवर इंडिया हमने जो है, ये देखिए ये होर्डिंग्स लगे हैं, अलग अलग जगह हमारे नाटक के होर्डिंग्स लगे थे। ये मुंबई मिरर ने कवर किया है, ये मुंबई थिएटर गाइड .com का कवरेज है, ये नई दुनिया का है, ये इन्फिनिटी वेंचर्स के साथ हमने जो नाटक के शोज किए हैं उसके टिकट्स हैं, अगर किसी को डाउट है वहां भी जाके पता कर सकता है। जजमेंट में है कि इसमें नाटक नहीं हो सकता, इस स्क्रिप्ट पे ये हमने किए हैं। ये स्क्रीन मैगजीन है, उन्होंने इस बात की पुष्टि भी की थी कि ये पहला नाटक है भारत में, ये इस मोहनजोदड़ो के विषय पर लिखा गया है, पहला नाटक है। जजमेंट में लिखा गया कि वो स्क्रीन मैगजीन को भी नहीं मानते हैं। इस तरह की तमाम चीजें हुई। तो अब जो है, और फिर उन्होंने कहा, उन्होंने हमारी बात तो नहीं सुनी, कोर्ट में हमारी बात नहीं सुनी गई, पता नहीं क्यों नहीं सुनी गई, लेकिन फाइनली उन्होंने ये तर्क दिया कि 2000 ग्वारिकर साहब तो 2007 में ही फिल्म अनाउंस कर चुके थे, आप तो, हालांकि मैंने स्क्रिप्ट उनको 2003 में दी जो माना भी गया है, लेकिन ग्वारिकर साहब तो 2007 में फिल्म शुरू कर चुके थे, और बोले कि उन्होंने बड़ा बाकायदा अनाउंसमेंट किया है, ये जजमेंट में लिखा हुआ है। ये वो है जिसके बेसिस पे वो बोल रहे हैं, जो ग्वारिकर साहब के तरफ से, मिस्टर आशुतोष ग्वारिकर के तरफ से लगाया गया है प्रिंट में। ये मुंबई मिरर की एक न्यूज़ है, मिस्टर कुणाल एम शाह ने कवर किया है, इसमें क्लियरली लिखा गया है, जब उनसे पूछा गया क्या ये फिल्म आप शुरू कर रहे हैं या ऐसा कुछ, उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की गई, तो उसमें लिखा ही वॉज नॉट अवेलेबल फॉर द कमेंट। तो ये स्पेकुलेशन है, आप लोग तो पत्रकार हैं, ये अनाउंसमेंट कैसे हो सकता आप बताइए, ये स्पेकुलेशन है। और इसको जो है माना गया है जजमेंट में कि 2007 में उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया और तब से पब्लिसिटी कर रहे हैं, तो क्या ये पैसा देके पब्लिसिटी थी, और फिर वो क्यों नहीं कमेंट किए थे उस समय? 2014 से पहले उनकी कोई अनाउंसमेंट नहीं थी फिल्म की। इस तरह के तमाम चीज़ें, और सबसे जो कमाल की चीज़ हुई, जो सबसे कमाल की चीज़ हुई कि उनका कहना था कि ये जो 1995 की जो स्क्रिप्ट है, हैंड रिटन हमने जमा की है, वो मैंने उनके 2 मिनट का जो ट्रेलर है वो देखने के बाद लिखा है।
2 मिनट का ट्रेलर देखने के बाद मैंने 21 पेज की पूरी जो है कहानी लिख दी है, है ना। तो हमने कहा ठीक है, नहीं वो मैं दिखा रहा हूँ अभी, मैं निकला अगर चलिए मैंने 95 की आपकी अपना 2016 में आपका ट्रेलर देखने के बाद अगर मैंने कहानी लिखी है ये 1995 की, तो ये मेरे मेल में कैसे मौजूद है? ये 2012 की कहानी है। मैंने अपने एक प्रोड्यूसर फ्रेंड है जो काफ़ी जाने माने टीवी के प्रोड्यूसर है, उनके साथ ये शेयर किया था। ये आप देख सकते हैं, ये इसका अटैचमेंट भी सबके सामने पब्लिकली मैं खोल के दिखा रहा हूँ। हमने कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस जीएस पटेल साहब से कहा था, जज साहब हम आपको देख लीजिए, आपके हार्ड कॉपी आपके मेल में लगा, हमने प्लेंट में लगाया है और हम कोर्ट में बड़े स्क्रीन में ऐसे ही प्ले करके दिखा देते हैं। ये कहानी है, सिर्फ हमने मेल को फीमेल चेंज बनाया है, इसमें जो हीरो है हीरो की जगह हीरोइन कर दिया हमने, क्योंकि टीवी के हिसाब से हमने अडेप्टेशन किया था। ये 2012 से मौजूद है। अगर हमने तो फिर ये कहाँ से लिखा हमने? 2012 में तो इनकी फिल्म का ट्रेलर नहीं आया था, ये कैसे लिख सकते हम? और इनकी सबसे मज़ेदार बात है, मिस्टर ग्वारीकर की स्क्रिप्ट जो है 23 मार्च 2012 में रजिस्टर्ड हुई है। हमने उनको स्क्रिप्ट दिया था 2003 में, उसके बाद हमने कॉपीराइट कराया था, उससे डेवलप करने के बाद उससे जो डेवलप हुआ 2007 में, उसके बाद हमने पब्लिक डोमेन में हमारा 27 मार्च 2011 से ये शो है मोहनजोदड़ो, आप कोई भी जाके पता कर सकते हैं। 18 जून को इस्कॉन, 18 जून 2011 और 19 जून 2011 में रंग शारदा में हमने बड़े लेवल पे इसकी ओपनिंग की है। ट्रेड अपने जो हमारे इंडस्ट्री के ट्रेड गाइड है कंप्लीट सिनेमा, उसमें उसका फुल पेज ऐड था इस नाटक का। इनकी तो स्क्रिप्ट ही रजिस्टर्ड हुई है 23 मार्च 2012 के बाद, और वो स्क्रिप्ट भी कोर्ट के सामने नहीं रखा गया और ना ही उनकी फिल्म दिखाई गई हमें, बल्कि कोर्ट में भी नहीं दिखाई गई, किसी ने नहीं देखी, लेकिन फिर भी मान लिया गया कि जो है मतलब कोई कंपैरिजन नहीं हुआ उनके और हमारे। मेरे स्क्रिप्टों के बीच में कंपैरिजन हुआ और मान लिया गया कि मैं जो है ब्लैकमेल करने के लिए कोर्ट में पहुंचा हूं, मैं पैसा ऐंठने के लिए कोर्ट में पहुंचा हूं, ये है। और हमने उनसे ये भी कहा कि ठीक है, अगर आप 95 के उसमें थोड़ा भी आपको डाउट है तो उससे जो प्ले डेवलप हुआ है हमारा, वो भी हमने सिटी कोर्ट में जमा की हुई थी, जो प्ले हमारा डेवलप हुआ है वो प्ले देख लिए कोर्ट में दिखा दिया जाए, जिससे कि सबको क्लियर हो जाएगा। ये 2 मिनट 5-7 मिनट का क्लिप है, थोड़ा लाइट बंद कर दीजिए अगर इधर के, हम प्ले करते हैं इसको। यहाँ के जो लाइट है हॉल्स का थोड़ा बंद कर दीजिए। ये पूरा 20 से ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, ये हम आपको सबको मेल भी कर देंगे, क्योंकि आप सबका समय भी बहुत कीमती है, हम चाहेंगे कि आपको सारा मेल कर दें। हैं एक चार्ट भी दिया है आप सबको कि 20 सिमिलैरिटीज़ हैं जो हमारे और उनकी फिल्म के बीच में, सिर्फ ट्रेलर, फिल्म भी गलत कहना होगा, ट्रेलर के बीच में। फिल्म आएगी तो कितनी निकलेगी पता नहीं अभी, ये सिर्फ ट्रेलर से इतनी सिमिलैरिटीज़ हैं। तो आप सबको मेल करेंगे और मैं अब मेरे साथ जो साथी हैं उन सबसे कहूँगा कि वो ये दो दो शब्द कहें, फिर आपको जो भी जानना होगा इस बारे में मैं आप लोगों से बात करूँगा। बड़े लोग, बड़े पैसे वाले लोग हम जैसे छोटे लोगों के साथ, या हम जैसे जो सच के लिए लड़ने वाले लोग हैं उनके पीछे किस तरह से पड़ते हैं और किस तरह से हर चीज़ को खरीद लेते हैं। मैं वाउच करता हूँ, आकाशदित्य लामा को मैं पिछले 15 सालों से जानता हूँ, मैं वाउच करता हूँ कि ये कभी भी कोई गलत पब्लिसिटी के लिए कोई काम नहीं करेंगे, सत्य पे चलेंगे हमेशा। और मैंने इन्हें जितना जाना है, एक बहुत ही सहज और सुलझे हुए इंसान है, और ये जो भी कर रहे हैं, अगर इनकी जगह ये प्रोडक्ट हाउस ने सोचा था कि ये कमज़ोर इंसान है और हम जो करेंगे वो कर लेंगे, लेकिन इन्होंने हिम्मत बटोरी और हम सबको इकट्ठा किया, हम सब साथ हैं इनके। आशुतोष जी को के ख़िलाफ़ मेरे को कुछ नहीं कहना, क्योंकि वो मेरे भी मित्र हैं, बहुत सालों से मैं जानता हूँ। मुझे याद है अच्छी तरह जब हम लोग CID साथ करते थे, एक फिल्म की थी हमने सलीम लंगड़े पे मत्रो, हमने साथ में एक्टिंग की थी, उसके बाद बॉडी लाइन एक सीरीज़ आई थी
जो मैंने ऑस्ट्रेलिया में की थी, जिसमें मैंने पटौदी का रोल किया था, और उन दिनों आशुतोष मेरे पास अक्सर आते थे और कहते थे कि मुझे VHS दो, VHS दो, तुमने बॉडी लाइन की। क्रिकेट पे सीरीज थी लगान के दौरान, और वो VHS आज तक वापस लौटी नहीं है। और उसमें भी आप देख सकते हैं काफ़ी सिमिलरिटी है बॉडी लाइन के शॉट्स की भी लगान के अंदर। तो उनके खिलाफ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कहता हूँ कि जिसकी जो आदत होती है वो तो करता ही है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हम लोग अब इमोशनल हो सकते हैं इस बात पे, और हम लोग सोचते हैं कि अब हमें चाहिए कि सत्य का साथ दें। हम हारें जीतें ये कोई भी ये प्रश्न ही नहीं उठता है, ये है कि सत्य सामने आए, और सत्य सामने आपके थ्रू आ सकता है। आप सब लोग अगर मदद करेंगे तो सत्य सामने आ सकता है। थैंक यू वेरी मच। हेलो, आई नो आकाश फ्रॉम 1997 व्हेन ही फर्स्ट केम टू बॉम्बे। ही वाज अ यंग मैन, वेरी ब्राइट, एंड ही हैज इवन स्टेड इन माय हाउस फॉर सम टाइम, and he had these bright ideas and he always wanted to narrate stories, and he was assisting Anil Sharma in Gadar, and that time I told him that, you know, don't give out your stories and narrate to other people in film industry, because anybody can steal your idea. And I think he didn't have enough money to become the Writer Association's member. So I told him that you take my card and you register your ideas, and that's it, you know. And whenever the time comes, that time I'll give you NOC. I will give an affidavit that, you know, they belong to you. So he had told me about Mohenjo-daro, and he had registered, I think, that time. And but obviously, next when I saw in 2011. He had this play with Anahad, and that was a function where it was arranged by Sanskar Bharati. In fact, I remember that month and year, March 2011, because Sanskar Bharati had given me an award. So I would not forget that, and I really loved the play. I mean, you know, that is the first time I said, oh my God, this young man who came from Gwalior has, you know, in 10 years time, or you know, not I mean, I think, yeah, 10, not in 10 years, yeah, little more than that, he has been able to mount such a beautiful play. And I was really overwhelmed with the play, and when I heard recently, I heard about this Ashutosh Gawarikar doing, I mean, his film or his trailer has this similarity. I have not seen any film of, Mohenjo-daro's trailers or anything, but what I can say is Mohenjo-daro is, there's nothing really, no story about Mohenjo-daro in anywhere, in any domain, whether it is archaeological or in the Wikipedia, nowhere there is any story. But I think what Akash did, the play, was his own imagination, and he has a very fertile imagination to base a play where much information is not, can be found in history. So I don't think if anybody else makes a story on Mohenjo-daro or of that civilization of 2000 BC. Then that person has, it should be different. I mean, it cannot be similar. Like, it can be only similar when you make something on Ramayana or Mahabharata or Ashoka or Buddha, because those are always, written, they're available, they're written, or Jatak tales, they're there. Even they are from, oral traditions are there. But there's no oral traditional stories from the time of 2000 BC. So whatever it is, I think, we should support Akash. If there is any similarity, then the person should, pay for it. Thank you, Vijay ji. मैं दो बातों पे, बड़ी लॉजिकल बात है।
ये बहुत यूनिक आइडिया है, किसी के दिमाग में आ नहीं सकता जल्दी। दूसरा, आशुतोष ने एक्सेप्ट किया है कि उसने स्क्रिप्ट ली थी, वापस की थी। ये दो बातें अपने आप में पूरी कहानी बताती हैं उन्होंने क्या किया होगा। ये इतना यूनिक आइडिया है, नॉर्मली हमारे दिमाग में मोहन जोदारो किसी राइटर का आएगा नहीं। और दूसरा, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, उन्होंने लिया था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो सब लोग मिस कर रहे हैं, कहना चाहूँगा, जब किसी क्रिएटर से आप क्रिएशन छीनते हो, इट्स लाइक मर्डर। हम लोग स्टोरीज लिखते हैं, दो दो साल लगाते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, बातें करते हैं, इतना कुछ होता है। उसके बाद आप इतने करेक्शंस के बाद एक स्टोरी लिखते हो, आपकी आत्मा होती है, आपका ईगो होता है, और आप जब चोरी करते हो, इट्स लाइक मर्डर। तो मेरा एक मैसेज है आशुतोष के लिए, इफ यू आर नॉट टैलेंटेड, डोंट स्टील, लीव द इंडस्ट्री। सिंपल। और एक बात का अफसोस रहेगा, इन्होंने कहानी तो चोरी की, कुछ चेंजेस किए शायद कोर्ट से बचने के लिए, आदमी कर ही लेता है 10-15-20% चेंजेस। और जो भी शूट हुआ, जो दिख रहा है हमें, इन्होंने एक चीज़ को स्पॉइल कर दिया है। अगर हम लोग बनाते तो शायद बहुत प्यार से बहुत अच्छी बनाते, तो इस बात का अफसोस रहेगा कि इन्होंने एक अच्छे सब्जेक्ट को ख़राब कर दिया है। थैंक यू। मतलब मैं तो एक्चुअली शॉक्ड हूँ, यहाँ पे तो हमारे प्ले के कुछ डायलॉग्स भी कॉपी किए हैं जो मैंने कभी देखे नहीं थे। एक पर्सनल अटैचमेंट है, बिकॉज आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस प्ले सिंस 2011 आफ्टर परिधि। तो आई एम शॉक, मतलब मैंने डेलिबरेटली पहले से प्रोमोज को, एक होता है ना कि क्यों हम उन्हें ज़्यादा हिट्स दें और क्यों ये दें, बट अब जब मैं यहाँ देख रही हूँ, मतलब वो डियर वाला आप लोग ने एक सीक्वेंस देखा, द डायलॉग्स, एवरीथिंग इज कॉपीड। और अगर उनकी लैंग्वेज में, या जनरली अगर पॉलिटिकली करेक्ट लैंग्वेज में बोले तो इंस्पायर्ड। मुझे ऐसा लगता है कि आशुतोष जी को, एंड नॉट जस्ट हिम, ऑल दी अदर पीपल इन्वॉल्व, बिकॉज देर आर बिग कंपनीज एंड बिग नेम्स इन्वॉल्व इन द फिल्म एंड द एंटायर प्रोजेक्ट, आई थिंक मुझे लगता है कि उन्हें बड़प्पन दिखाना चाहिए, और जिनका ये ओरिजिनल क्रिएशन है उन्हें क्रेडिट देना चाहिए। एक जैसे कि राणा जी ने बोला, एक क्रिएटिव पर्सन, इट इज़ नॉट अबाउट, मुझे लगता है एक क्रिएटिव पर्सन क्रेव करता है क्रेडिट के लिए। अगर आपका क्रिएशन है वो, तो अगर आपको क्रेडिट मिल जाए ना, अगर आपका नाम लिया जाए कि हाँ ये ओरिजिनल स्क्रिप्ट इनकी थी, मैंने इनसे इंस्पायर होकर ये फिल्म बनाई, या इनकी स्क्रिप्ट से इंस्पायर होकर, आई थिंक दैट इज़ वॉट विल बी इनफ फॉर आकाश जी, एज मच एज आई नो हिम। आई डोंट थिंक आकाश जी इससे ज़्यादा कुछ भी एक्सपेक्ट करते होंगे। मुझे लगता है उन लोगों ने ये करना चाहिए, एंड दे शुड एक्सेप्ट इट दैट इट इज़ हिज आइडिया ओरिजिनली। एंड आप सब जो लोग आज यहाँ आए हैं, हम लोगों को आप लोगों ने टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जो भी लोग ये देख रहे हैं या सुन रहे हैं, प्लीज़ आप सच का साथ दीजिए। और जो भी आप कंपैरिजंस देख रहे हैं, आई एम श्योर आप आगे, अगर आप फिल्म देखेंगे या ना भी देखेंगे, जिस भी मीडियम पे फिल्म देखेंगे, आई एम श्योर आप लोग ये जानेंगे। अगर आपने हमारा प्ले देखा हो या ना भी देखा हो, आज आकाश जी सर, इट्स अवेलेबल ऑन द पब्लिक डोमेन, आप लोग देखिए। आई एम श्योर यू विल बी शॉक टू सी द सिमिलैरिटी, एंड आई एम श्योर आप लोग मानेंगे कि दिस फिल्म इज़ डेफिनेटली आकाश जी इज क्रिएशन, और द स्टोरी इज आकाश जी इज क्रिएशन। थैंक यू। एक बात और ऐड करना चाहूँगा, कुछ दिन पहले मैंने नेट पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, जिसमें आशुतोष जौहरीकर और ऋतिक रोशन बैठे हैं। उन्होंने बड़ा, किसी प्रेस वाले ने पूछा उनसे कि क्या हुआ, आपने चोरी की? तो कहते हैं, अगर हमने चोरी नहीं की, अगर की होती तो आकाश आदित्य लामा यहाँ क्यों नहीं है? ये चेयर पड़ी है, और सब प्रेस वाले हंसे। इतना इडियोटिक मजाक था कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये क्या करने जाएंगे वहाँ पे? कहने उन्होंने चोरी की होती तो वो क्यों नहीं है हमें? तो मैं आज उनसे पूछता हूँ, अब आप यहाँ क्यों नहीं? हमारे पास बहुत खाली चेयर है। तो इडियोटिक बात है, और इतना मेंटल लेवल पब्लिक का था, वो लोग हंस रहे थे, इतना अच्छा जोक मार लिया, मुझे समझ गया इतना इसमें जोक में क्या बात थी, कि अगर आपने चोरी की तो वो क्यों नहीं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं जाएंगे, उनको इन्विटेशन आया था, इनको मालूम था हो रही है, बेवकूफ़ी की बात थी। थैंक यू राणा जी। अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई भी आपसे सवाल हो। मैं 2010 का मेल के जब जवाब नहीं आया था, मैं उनके खार के ऑफिस में मिलने की कोशिश की थी, वो मैंने लीगल नोटिस में भी लिखा था, नहीं मिला गया मुझसे, नहीं मिला गया। और मैंने और भी जो कॉमन फ्रेंड्स होते हैं उनके थ्रू भी बात करने की कोशिश की गई, जो मुझसे कहा गया, मुझे चूंकि वो मेरे पास एविडेंस नहीं है, मैं वो कहूँगा नहीं, मुझे एक तरह से धमकाया गया कि जो करना कर लो,
हमारे पास बड़े बड़े लॉयर्स हैं, सब कुछ है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये किसकी तरफ से था, मतलब आपको धमकाया गया, जो करना है कर लो, ये किसकी तरफ से था, अगर आप हमें कुछ क्लियर बताएंगे तो ये पूछेगा। नहीं देखिए, सबसे पहली बात, जो हमारे कॉमन फ्रेंड्स थे, ऐसा नहीं है कि उनके कई सारे ऐसे, हमारे बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स हैं उनके और हमारे, तो उनसे जब हमने कहा, मतलब जो ये सब जब हमने लीगल नोटिस भेजा तो उन्होंने उनसे बोला कि भाई ऐसा ऐसा लीगल नोटिस भेजा है ना। तब ये चीज़ें मीडिया में भी नहीं आई थी, मैं आपको बताऊं, 2010 में मैंने मेल भेजा था, मीडिया में न्यूज़ नहीं थी। 2014 में मैंने मेल वापस भेजा, मीडिया में न्यूज़ नहीं थी। 2015 मार्च में मैंने लीगल नोटिस भेजा, मीडिया में न्यूज़ नहीं थी। मीडिया में न्यूज़ पहली बार आई जब हम सिटी सिविल कोर्ट में पहुंचे तब, और उससे पहले हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, समझाने की कोशिश की, ऐसा मत कीजिए। और जो हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड्स थे उन्होंने भी बात की, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं मिलेगा और आप जो करना है कर लो, कि आप चुपचाप केस वापस ले लो, हमारे पास बड़े बड़े लोग हैं, कुछ नहीं होगा आपका। हाँ जी, डिफेमेशन नहीं है, उन्होंने कोर्ट से, ऑनरेबल कोर्ट जो है, ऑनरेबल जस्टिस श्री जी एस पटेल साहब, उन्होंने जो है मुझ पर 1.5 लाख रुपए का एक तरह से कॉस्ट लगाया है, क्योंकि मैं, मुझे, मेरे हिसाब से मैंने अदालत पे न्याय मांगा था। अब आप सोचिए, एक मैंने केस लड़ने के लिए तो अपने आखिरी खेत तक बेच दिया, उस आदमी के ऊपर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। कोई इंसान अगर कोर्ट में जाता है किस उम्मीद से जाता है कि उसे न्याय मिलेगा, अगर उसके उल्टा जुर्माना लगाया जाए तो वो क्या करेगा? ये देखने के बाद कोई भी, मैं बता रहा हूँ फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग देख रहे हैं, कोई भी बेचारा गरीब राइटर होगा ना, वो कोर्ट जाएगा नहीं डर के मारे, बोलेगा मेरी कहानी चोरी हो रही, चोरी होने दो, उससे बुरा हाल और होगा अगर मैं आवाज़ उठाएंगे तो। नहीं मैम, देखिए मैं, नहीं मैम, ईमेल का मैं बताऊं, ईमेल का उन्होंने एक्सेप्ट किया है, नहीं उन्होंने ईमेल का एक्सेप्ट किया। मैडम, नो नो नो, दैट वॉज, दे हैव एक्सेप्टेड एवरीबडी, दैट वॉज टू अर्ली फॉर अस, बिकॉज वी नेवर न्यू कि क्या क्या उन्होंने कॉपी किया है। तो हमारी एप्लीकेशन थी, लीगल नोटिस नहीं बनता था उस समय, तो हमने सिर्फ मेल भेजा। जब हमें पूरा क्लियर हो गया, अपने फ्रेंड्स, जो हमारे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो मोहनजोदड़ो में काम कर रहे हैं, उनसे रात को डिस्कशन में बताया स्टोरी लाइन ये है, तो वी आर वेरी क्लियर। देन द फर्स्ट टाइम वी केम टू नो दैट दिस इज अ कंप्लीट कॉपी ऑफ इट, वी सेट अ लीगल नोटिस, दैट वॉज इन 2015। जब उससे पहले जब तक आप शूट नहीं स्टार्ट करोगे तो आपने क्राइम कहाँ किया? लॉजिक ये है कि आपकी स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी, मेरे पास 25 स्क्रिप्ट घर रहती है, मैं खुद प्रोड्यूसर हूँ, अंटिल आई स्टार्ट द शूट आई एम नॉट कमिटेड क्राइम, लॉजिक तो ये है ना। तो उसमें नहीं, तो उस समय लीगल नोटिस नहीं बनता था। नो बट नहीं, कोर्ट एक्सेप्ट दिस प्रूफ, उन्होंने एक्सेप्ट किया, दोनों पार्टी सब ने एक्सेप्ट किया, उन्होंने ये नहीं बोला कि आप लीगल भेज दो, उन्होंने ये सवाल नहीं उठाया, उन्होंने कहा वी एक्सेप्ट, वी रिसीव दिस ईमेल, बट फर्स्ट, पहला उनका जवाब ये था वी कुड नॉट रिप्लाई बिकॉज वी गेट थाउजेंड ऑफ मेल्स। अब सिटी सिविल कोर्ट में अब उनका रिप्लाई चेंज हो गया है, अब उन्होंने बोला है दे हैड इंस्ट्रक्टेड देयर ऑफिस स्टाफ टू टॉक टू हिम, विच नोबडी फॉलोड अप। मैं सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा हूं। नो एक्चुअली व्हेन देयर इज अ केस लाइक दिस दे शुड द कोर्ट शुड आस्क द हाई कोर्ट शुड आस्क आशुतोष गवारीकर टू ब्रिंग हिज स्क्रिप्ट टू द पब्लिक डोमेन। नो नो, उनकी स्क्रिप्ट तो, हाँ उनकी स्क्रिप्ट तो ना तो कोर्ट में देखा गया ना उनकी फिल्म देखी गई, सिर्फ मेरे स्क्रिप्ट पे ही बात हुई है। ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमारे लॉयर से बात हो रही है, हम तो चल रहा है, सारी चीज़ें हैं, और इसके बाद केस तो लड़ना ही है, केस तो हमें लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 15 साल लगे, 20 साल लगे, 25 साल लगे, हमारी है, प्रूफ करेंगे। दुर्भाग्य है, हमने बहुत फिल्में देखी है, तारीख तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख करेंगे। तो
नहीं नहीं हमारी तरफ से क्या डिमांड हो सकती है? नहीं, हमारी तरफ से ऐसा कुछ डिमांड नहीं है। हम तो क्या है, सबसे पहली बात, हम किसी फिल्म को जो है ना इस बेसिस पे, मतलब हम चाहते हर फिल्म रिलीज हो, हर फिल्म अच्छा बिजनेस करे, लेकिन हमें न्याय की थी, हमारी मांग सिर्फ न्याय की थी, हमें न्याय नहीं मिला, ये है। और न्याय क्या होता है, जब आपके साथ एक के साथ अन्याय होता है ना, तो 10 गलत लोगों को और अन्याय करने के लिए हिम्मत मिलती है, ये याद रखिएगा। तो कल ये ना हो कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे भी कल दिमाग में ये आ जाए कि अच्छा भैया मैं ये करके किसी, कल मैं बड़ा होने के बाद मैं किसी के साथ ऐसा करूं, तो ये बहुत जरूरी है। जी सर, मेकर से क्या चाहते हैं आप अभी रिलीज, आगे क्या प्रोसीजर होगा सर? मेकर से क्या क्या चाहते हैं आप अभी आगे, क्या क्या कहना चाहेंगे? कौन से मेकर्स? ये मोहनजोदड़ो के जो मेकर्स है उनको क्या कहना चाहेंगे अभी? ये सब 2 दिन है रिलीज के लिए, फिल्म के फ्री की पब्लिसिटी ऑलमोस्ट उन्हें मिल रही है, उसके बाद आगे क्या क्या कहना चाहेंगे उनको? कुछ किसी तरह का कुछ खास न्याय जो आप कह रहे हैं उनको, कुछ एक सलाह या कुछ देना चाहेंगे आप? सर देखिए, पब्लिसिटी मिल रही है, क्या मिल रही है, हम सिर्फ चाहते हैं कि सच्चाई लोगों के सामने आए, क्योंकि जिस तरह की न्यूज़ चल रही है कि मैं झूठा था, कोर्ट ने कहा कि मैं झूठा हूँ और कोर्ट ने मुझ पर पेनल्टी मारा है, पहली बात तो कोर्ट का अभी तक डिसीजन नहीं आया, दूसरी बात जो जजमेंट आया आप सबको कॉपी दी गई है, यूजुअली 49 पेजेस का स्टे के ऊपर जजमेंट है, 49 पेजेस का, आप लोग पढ़िएगा एक बार, और उसके साथ जवाब। और ये हमारी कहानी थी ना, इनकी, इनके मैंने पैसे डूबे हुए हैं, मेरा वो ये है, मेरे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं। सर सच्चाई तो सामने आनी चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए, कोई भी हमारी है या उनकी है या किसी की भी। देखिए इतना मोटा जवाब आया आशुतोष गौरीकर का, शायद जुडिशियल को इंप्रेस करने के लिए, इसमें यहां से लेके कुछ 300 पन्ने तो उन्होंने हिस्ट्री बुक्स के किया, जिससे क्या मतलब है, हिस्ट्री बुक्स के 300-400 पन्ने आप डाल दो तो इससे क्या मतलब है? मतलब रिसर्च जो साइंस ने की है या हिस्टोरियंस ने की है, इससे आपकी फिल्म का क्या मतलब है? ये तो आपने फिक्शनल स्टोरी लिखी ना, हिस्ट्री तो है नहीं, हिस्ट्री तो कुछ है नहीं, तो ये सब इन्होंने जो बेवकूफ बना लेंगे सबको इतने मोटा दिया है, इतना मोटा, देखिए ये जो है सिर्फ हिस्ट्री बुक्स हैं, कुछ भी नहीं है, तो जवाब कुछ नहीं इनके पास, हिस्ट्री बुक्स जो पब्लिक डोमेन में जो लोगों ने रिसर्च की है, साइंटिस्ट लोगों ने उनका दिखा दिया है, इस पे क्या, इससे स्टोरी का क्या मतलब, स्क्रिप्ट से क्या मतलब इस चीज़ का? देयर इज नो स्क्रिप्ट। मोहनजोदड़ो एक्सकवेशन में जो निकला है वो है, उसमें डांसिंग गर्ल निकली, चार चीजें निकली, लेकिन देयर इज नो स्टोरी, स्टोरी तो फिक्शनल है ना, कौन किंग कौन क्या, आज तक उसकी उनकी डिसाइफर नहीं कर पाए, उनकी लैंग्वेज स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं हो पाई, वन ऑफ द स्क्रिप्ट जो वर्ल्ड में 4-5 स्क्रिप्ट ऐसी जो डिसाइफर नहीं कर पाई साइंस, एक मोहनजोदड़ो की भी उसमें, हाँ जैसे यूएसए में माय स्क्रिप्ट इज यू नो रजिस्टर्ड इन राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका, इफ देयर इज एनीबॉडी एनी फिल्म मेड इन यूएसए और इन दैट पार्ट इन नॉर्थ अमेरिका एंड इट इज सिमिलर 60% सिमिलर टू माय स्क्रिप्ट, स्टिल देन दे हैव टू यू नो गिव मी क्रेडिट इफ 60% नॉट या सो हियर इफ यू डू नॉट हैव मोहनजोदड़ो स्क्रिप्ट, आशुतोष गवारकर स्क्रिप्ट and Mr. Akash Aditya's script, they, and have an expert panel. A panel should be there, writer's panel, who will compare the thing. Otherwise, if you, lawyers cannot compare, how can you make out the feel of the script? If the 60% is matching, then he has to give the credit. अच्छा, इनकी intentions तो इतनी अच्छी हैं कि Disney ने court में बोला कि they are not connected with the film in any way, हमारी फिल्म ही नहीं है. और उनकी वेबसाइट देख लो, सिद्धार्थ राय कपूर की इंटरव्यू देख लो, तो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर फाइलिंग अ केस इन यूएस कोर्ट आल्सो अगेंस्ट डिज्नी, वो वी आर ओपन टू दैट एंड वी आर डूइंग इट बेसिकली, वी आर फाइलिंग अ केस अगेंस्ट देम, वी विल परस्यू द केस देयर आल्सो और यूएस कोर्ट। और हमारी जो कहानी है, मेरी जो कहानी है जो मैं 95 में दिया था, वो ऑनलाइन अवेलेबल है, वो हमने आज से ऑनलाइन अवेलेबल कर दिया है, आप सब पढ़ सकते हैं, पूरी मतलब जितने भी लोग हैं वो मेरी कहानी आराम से पढ़िए और देखिए, समझिए उसको, ठीक है जी। और कोई? थैंक यू। और मैं सबको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, राज नायर जी का, देवेंद्र खंडेलवाल जी का, नेशनल अवार्ड विनिंग कॉस्ट्यूम डिजाइनर माला डे जी का, तो जाने माने ऑथर तुहिन सिन्हा जी का, जाने माने सिनेमाटोग्राफर नीलाब कौल जी का, राजेंद्र प्रसाद जी का, सिनेमाटोग्राफर मुन्नुदा का, है ना देव, मेरी फ्रेंड है नागालैंड से फीमेल प्रोड्यूसर रेबेका, थैंक यू रेबेका, एंड हाँ विनोद गणात्रा जी 68
नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं, विनोद जी आए हैं मेरे सपोर्ट में, थैंक यू वेरी मच विनोद जी। मेरे फिल्म प्ले का जिन्होंने पोस्टर डिज़ाइन किया था, हर पोस्टर, मिस्टर सिराज हेनरी, वो यहाँ पे आए हैं सपोर्ट के लिए, थैंक यू वेरी मच सिराज जी। मेरे प्ले के जो लोग हैं वो लोग हैं। अब जो है हमारा फाइनल, अब जो जो हुआ है, लड़ाई यहाँ ख़त्म नहीं होती है, लड़ाई यहाँ से शुरू होती है सर। यूएस तक नहीं, इंडिया में हम लड़ेंगे। एक आदमी न्याय मांगता है और उसको 1.5 लाख रुपए का जुर्माना ठोका जाता है ताकि वो दोबारा खड़ा ना हो। ये 1.5 लाख रुपए मेरे पास नहीं है। मैं जो है आज से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीधा इन्फिनिटी मॉल के सामने जा रहा हूँ, अपने थिएटर ग्रुप के सारे, अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, और लोगों से भीख मांगूंगा, लोगों से मैं भीख मांगूंगा जूते का माला गले में पहन के, क्योंकि उन्हें जूते का माला नहीं पहना सकता, तो मैं खुद पहनूंगा, मैं जूते का माला पहनूंगा और मैं रोड पे भीख मांगूंगा अपने साथियों के साथ। हम सबसे भीख मांगेंगे, मंदिरों के बाहर मांगेंगे, दरगाहों के बाहर मांगेंगे, चर्च के बाहर मांगेंगे, गुरुद्वारे के बाहर मांगेंगे, हम भिखारियों से भी भीख मांगेंगे, क्योंकि हमें न्याय चाहिए और न्याय सबको चाहिए। 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया जो भी होगा हम करेंगे। हम आप लोगों के माध्यम से पूरे भारत में कहना चाहते हैं कि हमें ऑनलाइन भी डोनेशन अगर आप दे सकते हैं, आकाश आदित्य लामा के मेरे अकाउंट डिटेल्स कहीं होंगे। हाँ, और बहुत बड़ा डोनेशन ना दे, मतलब अगर आप लोग बाहर कोई लोग हैं वो मिलके 500 रुपये कर लीजिए, 10 लोग मिलके वो डोनेट कीजिए हमें। और बिल्कुल यहाँ अभी दान पेटी लेके हमारे लोग खड़े होंगे, और उसके अलावा जो है ये डोनेशन जो हम मांगेंगे, इसके 1.5 लाख के ऊपर अगर चली जाती है पैसा, अगर वो राशि 1.5 लाख के ऊपर हो जाती है, तो वो 1.5 लाख के ऊपर की जो राशि है वो हम फिल्म राइटर एसोसिएशन को दान कर देंगे। सर कोई बात नहीं सर, ईश्वर की कृपा रही, इस शहर में आया था 1200 रुपये लेके, ठीक है, कमाया, इस केस में सब कुछ गंवाया, दोबारा खड़े होंगे सर, दोबारा कोशिश करेंगे, क्योंकि क्रिएटिविटी ईश्वर की कृपा रहेगी तो देगी। ये हमारा मेरा अकाउंट डिटेल है, इस पर पूरे भारत में अगर कोई भी दिखता है, किसी को भी लगता हम सही है, तो प्लीज़ इस पर ज़्यादा पैसा मत इकट्ठे कीजिएगा। आप लोग मिलके हर कोने से, मैं रेवेका यहाँ पे है तो मैं कहूँगा नागालैंड से लेकर गुजरात तक, और जो है कश्मीर में भी मेरे दोस्त है, वहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक, हर कोई, यार अगर आउट ऑफ इंडिया भी कोई देख रहे वो भी, इस पर मुझे, आप लोग पैसे इकट्ठे कीजिए, मुझे डोनेट कीजिए, हम भी रोड पर निकल के भीख मांगेंगे और शर्म नहीं आएगी हमें, गर्व के साथ हम भीख मांगेंगे। और यस 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 यस, एक नया केस मुझ पर शुरू हो जाएगा है ना। और ये मेरे दोस्त लोग हैं, मैं अगर इन्हें कुछ कहना है तो कह सकते, हम सब आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम सब कलाकार बहुत सालों से मोहनजोदारो प्ले कर रहे हैं, अभी सबसे पहले तो मैं आप लोगों से कहूंगा जब कैमरा बंद हो जाए तो आप लोग भी 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 100 रुपये जो हो सकता है प्लीज दान दे, क्योंकि ये लड़ाई जो है सबके लिए है, सबके लिए है, ये न्याय की लड़ाई है, ये जो है हम सबकी है सर, हम सबकी है, हम सबकी लड़ाई है। तो आप लोग के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, नहीं होता रहता है और होता रहता है, अकेला ना महसूस करें। ये जैसे कि एक गलत परंपरा पड़ती है उससे गलत लोगों को हिम्मत मिलती है, तो अगर ये भी एक परंपरा होनी चाहिए कि जो सही लोग किस तरह से लड़ सकते हैं। गांधीवादी रोड पे आज समझ लीजिए पहला कदम है सर, पहला कदम है, फिल्म की लड़ाई नहीं है ये, सच कहता हूँ, ये साबित हो जाएगी, ये स्क्रिप्ट मेरी है। कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि स्क्रिप्ट मेरी नहीं है, वो तो ट्रायल में होगा, स्टे नहीं मिला है, और जो है और ये साबित हो जाएगा 5 साल 10 साल, आप लोगों ने इतने सारे फुटेज देखे,
आप लोगों ने खुद देखा ये फुटेजेस, ये कोर्ट में चलाया नहीं, चलाने नहीं दिया गया। अगर वो चलता तो पूरी वहाँ पे भी वहीं क्लियर हो जाता है। जज साहब ने देखना, 2012 का भी जो मेल है हमारा वो भी ना देखने दिया, दिखाने दिया गया। अगर दिखाया जाता तभी सब हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, कोर्ट में लंबी लड़ाई है, लड़ेंगे, बड़े लोग हैं वो अपने तरीके। जुडिशरी है सर, हमारे फेवरेट करेगी, बिल्कुल करेगी, करेगी, ऐसा है नहीं, हमारे देश में बहुत अच्छी है जुडिशरी। नहीं देखिए, एक बात बताए, जब तक अभी जो है, सबसे पहली बात है, हमें जुडिशरी पे भरोसा था, जुडिशरी में हमें आज भी भरोसा है, ऐसा नहीं है, लेकिन अब जो है, आप जो बोल रहे कि बिना, अगर मैं पहले जाता तो यही होता कि यार ये आदमी पब्लिसिटी के लिए कर रहा है। हाँ नहीं, न्याय तो नहीं है, सबसे पहली बात तो न्याय की आवाज तो पहुंच रही है। और न्याय तो देखिए सर, न्याय तो आप 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे यूएस कोर्ट, वो सब में लड़ेंगे हम, वो तो अलग चीज़ है। अभी तो सबसे पहली जो है ये लड़ाई, जो अभी फिलहाल की लड़ाई है कि ये जो 1.5 लाख रुपए मुझे कोर्ट में जमा करना है, 4 हफ्ते का टाइम दिया गया था, 1 हफ्ता लगभग बीत गया, 3 हफ्ते के अंदर अंदर वो 1.5 लाख रुपए मुझे इकट्ठा करना है, वो 1.5 लाख की लड़ाई है। पहले तो वो 1.5 लाख हम अपना क्या कहते हैं कोर्ट में जमा करेंगे, हम लोगों से भीख मांग के, और उसके बाद हम आगे की लड़ाई कंटिन्यू करेंगे। देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि देर हो गया? देखिए, न्याय के लिए कभी देर नहीं होना चाहिए। न्याय, अगर ये कहीं गया कि कहा गया कि आपको न्याय के लिए देर हो गया, तो मुझे लगता है वो न्याय नहीं है। सच को न्याय मिलेगा, ये तो पक्की बात। हाँ, फिल्म रिलीज़ होने के बाद, अगर पहली बात तो फिल्म रिलीज़ हो जाए, और रिलीज़ होने के बाद वो तो जो आपको पता ही है फिल्म में क्या हस्ट होना है, जो होना है हो जाए। हमारी तो लड़ाई अलग है ना, हमारी तो कंटिन्यूशन है। ये क्या होता है कि ये नहीं है कि आज आप लोग आए हैं, अच्छी बात, आप सबने इतना सपोर्ट किया, लेकिन हम लड़ेंगे, हम जो है 5 साल 10 साल 15 साल में जो बोल रहा हूँ लड़ते रहेंगे, और हमें इंसाफ लेके रहेंगे। किसी लेखक के साथ ऐसा ना हो, किसी लेखक के साथ ऐसा ना हो, हमेशा होता आया है, सालों से होता आया। आप इसके द्वारा कुछ इस अन्याय के साथ विरोध करना चाहेंगे, मतलब नुक्कड़ नाटक वगैरह? हम लोग करेंगे, हम लोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे, हम रोड में निकल के जा रहे हैं। हमारे पास यही चाह रहे हैं सर, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास जो छोटी छोटी चीजें हैं उसी से हम इकट्ठा होके बड़ी चीज कर देंगे, देख लीजिएगा एक दिन। पर लोगों को फिल्म में देखने के लिए कुछ है नहीं, हम सारा कुछ पहले प्ले में दिखा चुके हैं, तो जरूरत नहीं है लोगों को। ऑनलाइन कहानी अवेलेबल है, ऑनलाइन है, प्ले में हर जगह, हिंदुस्तान के हर कोने में हम ये प्ले दिखा चुके हैं, और सब जानते हैं फिल्म की स्टोरी क्या है, हमारे प्ले में ऑलरेडी सब देख चुके हैं। ये जो दान पात्र है इसलिए है क्योंकि मुझ पर जो 1.5 लाख रुपए का ऑनरेबल कोर्ट ने जो जुर्माना मारा है, कॉस्ट मारा है, वो 1.5 लाख रुपए मैंने बताया, मैंने सब कुछ बेच दिया, इस केस लड़ते लड़ते मेरे लाखों रुपए लग गए, आप लोगों के सामने दिखाया, मेरा जो कोई भी RTA लगा के भी पता कर सकता, वो मेरी आखिरी प्रॉपर्टी थी, मेरी ओन फुली ओन आखिरी प्रॉपर्टी थी, जो छत्तीसगढ़ का मेरा खेत था, वो मैंने 27 जून को बेच दिया, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मुझे कोर्ट में जमा करना है, तो मैं यही है, लोगों के बीच में जाकर भीख मांगूंगा, कोशिश करूंगा 3 हफ्ते के अंदर अंदर पूरे लोगों से, आप लोग के माध्यम से, पूरे इंडिया से मांगूंगा लोग वो पैसे आ जाए, कोर्ट में हम जमा कर दें, और अगर ज़्यादा आ गया तो पूरा बाकी का पैसा जो हम फिल्म राइटर एसोसिएशन में दान कर देंगे, ताकि वो कुछ गरीब राइटरों की मदद हो सके, और जो अगर 1.5 लाख आ गया उसको हम कोर्ट में जमा करेंगे। मेरे ये जो है, ये सब हमारे कलाकार साथी लोग हैं, हम लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, हम बातचीत कर चुके हैं, हम हमें की बात कर रहे हैं, हमें पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रहे ना, क्यों हम मोहनजोदड़ो को प्रमोट नहीं करने बैठे हैं यहाँ पे, हम न्याय को, हमें हम न्याय की बात कर रहे हैं। जैसे ही हम पोस्टर लगा देते या बात करते तो आप इमीडिएटली पोस्टर पे ले आते और पब्लिसिटी उन्हीं को मिलती, लेकिन इस समय हमने इसीलिए जानबूझ के डेलिबरेटली पोस्टर नहीं लगाए उनके, ताकि, और हमारी बातचीत हो चुकी है इस बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में ही बातचीत चल रही है, और उनको सबको पता है कि ये मोहनजोदड़ो की ही बात चल रही है, तो अल्टीमेटली पब्लिसिटी उनको नहीं मिलेगी, वो जो फोकट की पब्लिसिटी मिल जाती है करोड़ों रुपए। और नेगेटिव पब्लिसिटी मुझे नहीं लगता, आज वो इस देश की जो जनता है वो इतना समझदार हो चुकी है कि ये नेगेटिव पब्लिसिटी से किसी फिल्म का भला नहीं होता, आपको बहुत पॉजिटिव पब्लिसिटी होगी तो ही होगा, मुझे नहीं लगता। ये जितने भी लोग हैं, जितने भी आप लोग देख रहे होंगे, मुझे लगता है पूरे भारत में, पूरे विश्व में जो लोग देखेंगे, वो ऐसे कोई मतलब ये हमारी ये हालत देखने के बाद वो फिल्म देखने जाएंगे, मुझे नहीं लगता, मेरा विश्वास है इस देश की जनता जनार्दन पर विश्वास है, कोई नहीं देखेगा ये। थैंक यू।
और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, एक एक रुपया कुछ नहीं होता, एक एक रुपया इसमें जाने से पहले एक एक रुपया डाल कर जाएं। सर क्या करना चाहिए?